नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को, मनीष तरड़ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। स्वागत करता हूँ आपका। और जो पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं, वो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज की जो ये वीडियो कवर करने के लिए पहुँचे डंग डेयरी फार्म पर, आगे की जो जानकारी वो लेंगे अंकल जी के साथ। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते नमस्ते मनीष जी, क्या हाल है? बढ़िया जी, अपने सुनाओ। बढ़िया जी बेटा। सबसे पहले अपना नाम और एड्रेस बताएं यहाँ का। मेरा नाम वैसे तो तेजेंद्र पाल सिंह डंग, कालू भाई के नाम पे यूपी वाले सभी जान रहे हैं मेरे को। ठीक है ठीक है। तो आज आपको 6 भैंसे दिखाएंगे ठीक है, और एड्रेस जी। बता दे सबसे पहले। एड्रेस मेरा है जिला श्री गंगानगर, तहसील पदमपुर, रहने वाला मैं गत सिंहपुर का हूँ। ठीक है। बॉर्डर से 6 किलोमीटर पहले गत सिंहपुर। अपना गांव है। हाँ जी, खास प्रॉपर गत सिंहपुर। और मोबाइल नंबर? ठीक मोबाइल नंबर 95496-062-55, है, 96641-39828 ये अपने मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर आप। और आज की वीडियो में 6 भैंसे बिक्री के लिए अवेलेबल है। हाँ जी, सबसे पहले नंबर पर जो ये चोटी, इसके बारे में ये बताएं। मैंने जी 4 दांत कटिया, ठीक है, बिल्कुल ब्रीक चमड़ी, ईडर देखो, बियाई कब की है? देख कल रात को भी आई है। ठीक है, कल की भी खीस आई। में से 2-2.5 किलो दूध निकाला, अभी बच्चा क्या साथ में? बच्चा कटड़ी है पीछे जी। ठीक है, ये वाली कटड़ी है, देखो कल की भी आई है, हाइट ये है। देखो, अभी नाड़ो अभी हरा है, ये देखो ठीक है ठीक है। खून भी आ रहा है, ये देखो। और दूध कितना दे देगी ये दूध कल? 13-14, 13-14 पहले ही बयान देगी। ठीक है, तेरह अभी से चौदह चौके दे दे। दांत निकाल रही है, 2 दांत फूटे हैं अभी, यानी कि 2 से ऊपर 2 आ रहे हैं। ठीक है ठीक है। 4 दांत अभी हुई नहीं है, अभी 28 महीनों की कटली हुई है, 28-29 महीनों की। ठीक है ठीक है। 2 दांत है। दूध ईडर की सफाई देखो मनीष, बहुत टॉप का ईडर है। अभी खीस में से कुछ खाली हुई भी है। थन काफी स्पेस है, ये हाँ देखिए, जी, दूर दूर स्पेस वाले थन है, काफी शानदार है। हाइट बहुत अच्छी है, बॉडी से बिल्कुल जेट ब्लैक मुरा में है जी। और कीमत क्या है इसकी? कीमत 87, घर पहुंच करवा दूंगा, 500 किलोमीटर दायरे में, ठीक है, 87,000। 87,000 जी। ठीक है, और दूध कितना तक दे देगी? दूध दे देगी 13-14-12 की तो गारंटी लिखे दे दूंगा, 14 दे दे उसकी किस्मत है। ठीक है ठीक है। बिल्कुल ब्रीक चमड़ी है, ये देखो, बिल्कुल कागज जैसी है जी, बिल्कुल, ये देखो, ठीक है ठीक। बिल्कुल कागज जैसी चमड़ी, ये देखो, 87,000, 87,000। 87। आगे वाली इस झोटी के बारे में ये बताएं। है 2 दांत, पलना। दो दांत कटड़ी, पीठ पूरा देखो, गर्दन देखो, लंबाई गर्दन की बिल्कुल बहुत अच्छी झोटी है। बंद सींग, 10 दिन कच्ची, ठीक है, 10 दिन का समय बाकी है। 10 दिन बाकी है, हीरा है, 2 दांत है, दो दांत, वजन देख मनीष, काफी अच्छा है वजन। बहुत सुंदर, बहुत ही ईडर की नवाब है। नीचे सींग सिंगार देखो, गर्दन देखो कितनी लंबी है भैंस की। 2 ही दांत है, दांत दिखा दे मनीष, ओ दांत दिखा दे इसको, देख दिखा देगी, दिखा दिखा देगी। ठीक है, दे नहीं तो दे। कोई दिक्कत नहीं। इतनी सियाणी भैंस है, 2 दांत है जी, ठीक है ठीक है, दो छोड़ता दांत ले चल। कटड़ी है, अभी भरेगी, 10 दिन कच्ची है, पीड़ पूरा देखो, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत ही नवाब, जिसको कहते हैं नवाब वो है जी। दूध कितना दे देगी आपके हिसाब से दूध पहले जान लो। यार, अब आप ही देखो जिस हिसाब से पड़ी हुई है, वजन तो काफी अच्छा है। वजन बहुत अच्छा है, थन चड्डे की बहुत प्यारी है, 2 दांत है, पुट्ठा देखो 3.5 फुट चौड़ा है, अभी 10 से 12 दिन ले जाएगी, 2 तारीख को दिन पूरे हैं इसके, ठीक है, 2 तारीख 2 तारीख को, बाकी भगवान के कर्मों का कुछ नहीं जान सकते भी कब ब्याज है। सही बात है, वैसे मालिक ने तो 2 तारीख को दिन पूरे बताए हैं इसके, 10 महीने 10 दिन हो जाएंगे। सही है सही है। सींग शिंगार देख मनीष, बिल्कुल ब्रीक, छोटा एक सा, रुपया भी नहीं घुस रहा, दोनों एकदम बराबर है। बिल्कुल दोनों बराबर। हाँ अब फेस दिखाना इधर, ये देखिए जो ठीक है, फेस क्वालिटी वो बिल्कुल काफी अच्छी। छोटी सी मुंडी है मनीष, बहुत ही ठंडे स्वभाव की है। और कीमत क्या है इसकी? कीमत 97,000 की, घर पहुंच करवा दूंगा, 500 किलोमीटर दायरे में, ठीक है, 97,000 की। 97,000 की। आगे वाली नीली रावी के बारे में बताएं। नीली रावी भैंस कल रात को ब्याई है ये भी, बोलना भैया। सॉरी परसों शाम को करीबन 9 बजे,
ठीक है 9 बजे की भी आई है। 5 किलो दूध, खोलना भैया। 5 किलो खीस निकाली है। ठीक है ठीक है ठीक है। दूध क्षमता रहेगी इसकी 15 लीटर। 15 लीटर तक दे देंगे। 15 लीटर पीठ पुड़ेगी, बहुत है सुंदर है, जितनी के लिए उतनी सुंदर है। भैंस चवाई पसमाई में इतनी खरी मैं क्या बताऊं। प्योर नीली रावी है। प्योर नीली रावी। मनीष जी बच्चे क्या साथ में इसके? बच्चा कटड़ा नीला रावा। ठीक है ठीक है। नीला रावा कटड़ा मोटा दूरा थन लगा हुआ है। भैंस की बनावट देखो बिल्कुल ब्रीक चमड़ी की है, बॉर्डर की भैंस है, बिल्कुल बिल्कुल प्योर नीली रावी जिसको बोलते हैं ये है। दूध कितना दे देगी लगभग? दूध मनीष जी डाल देगी 14-15 किलो तो गारंटी लिखवा के ले जाए मेरे से। ठीक है 14-15 लीटर 14-15 किलो गारंटी लिखवा के ले जाए। ठीक है ठीक है। और कीमत? तीसरे ब्यांत है कीमत? कीमत दे देंगे 2 कम 80 की घर पहुंच, 78,000 की। 78,000 की घर पहुंच नीली रावी तीसरे ब्यांत। और नीली रावी होती है कई बोल देते कमंडली को 5 उसको क्या बोलते हैं, 5 कल्याणी। 5 कल्याणी ये 5 कल्याणी नहीं, ये देखो पांव चीटे इडर चीटा व्हाइट आंखें मुंह पे सफेद पन है। ठीक है ठीक है। ये देखो नीचे से लेके सफेद मुंह सफेद आंखें। ठीक है ठीक। इसको बोलते हैं नीली रावी, लोग 5 कल्याणी को बोल देते हैं नीली रावी नीली रावी। ये होती है नीली रावी। सही। बच्चा कौन सा इसके बच्चा साथ? ये रहा नीला रावा कटड़ा। ठीक है ये वाला, ये वाला नीला रावा कटड़ा प्योर माँ पे भी लेके जाती है। चलो ठीक है। और कीमत आपने बता दी इसकी? कीमत बता दी है मनीषी को, मानतान और कर लेंगे। चलो कोई बात, मानतान और कर लेंगे आगे वाली जो ये आके दूना चाहे। हाँ जी 15 लीटर है 13 की गारंटी है। ठीक है ठीक है। 15 लीटर 13 की फुल गारंटी स्टाम्प है पीछे कटड़ा है। ठीक है। दूध अभी मान के चल बढ़ेगी, अभी मेरा चलेगा कटिया का। ठीक कितने दिन की होगी? ब्यांत की है, फुल वजन फुल हाइट की है, छोटी भैंस नहीं है। दूध अभी मनीष जी क्या थन देख कितना प्यारा लगा हुआ भैंस के, काफी अच्छा है, बहुत ही बॉडी स्ट्रक्चर देखो भैंस का, थनों का साइज है वो आप देखिए काफी अच्छा है। 15 लीटर दूध तैयार है। 15 लीटर तैयार है, 13 की गारंटी दूंगा भाई। जो भी भाई लेना चाहता है 2 टाइम 3 टाइम दूध जरूर देखा करें। ऑनलाइन मिल्किंग लेना चाहिए ऑनलाइन ले सकता है, दूध देखने का आपका फर्ज बनता है, आप पैसे लगाते हो तो। और कीमत क्या है इसकी? कीमत मनीष जी मन तो था बहुत ऊंची बेचने का। ठीक है ठीक। पर 87 की घर पहुंच करवा दूंगा। 87 की। हाँ जब भैंस अब मन पे आई है पूरे खुल के दूध दे रही है। भैंस तो याद करेंगे लोग वाक्य में है। सही है वजन काफी ठीक है, वजन अच्छा है, सींग शिंगार जरूर एक सींग खुला है। ठीक है नहीं तो भैंस तो लाख से बाहर बेच देता। चलो कोई ना, ये फुलेरी वाली, ये फुलेरी नहीं है भैया। हाँ जी ये गुलाबी भैंस है, बॉर्डर की भैंस है। ठीक है ठीक है। ये नस्ल है एक। ठीक है ठीक है। फुलेरी ये नहीं होती, फुलेरी होती है धब्बे छोटे छोटे। ठीक है ये धब्बे नहीं है, नीचे नीचे सारी वो है जिसकी कहते हैं। अभी पंजाब में भी 2-3 भैंसों की वीडियो देखी थी मैंने। हाँ जी। इनको बोलते हैं गुलाबी भैंस। पूरा देख लंबाई देख भैंस की। 15 किलो दूध की गारंटी लिख के दूंगा, 15 किलो दूध की गारंटी लिख के दूंगा। ठीक है। ब्याई हुई है? ब्याई हुई नहीं है, अभी ब्याने में 10 दिन पड़े, ये तो कुछ भी नहीं है इडर। ठीक है ठीक है। आगे आने वाले समय में और बनाएगी इडर तो बहुत बनाएगी जी। हाइट देख लंबाई देख भैंस की कितनी है, काफी बड़ी भैंस है, ब्रीक चमड़ी बिल्कुल ब्रीक चमड़ी गुलाबी आंचल जैसे नीली रावी होती है ना, बोलने को तो मैं नीली रावी बोल दूं पर नहीं है नीली रावी। इसका एड्रेस है जैसे जैसे गाय का नहीं होता, इसको बोलते हैं गुलाबी, गुलाबी नस्ल, गुलाबी नस्ल बोलते हैं। अगर फलेरी हो ना मनीष जी, हाँ जी, वो आधी ब्लैक आधी व्हाइट रहेगी। ठीक है ठीक है। आधी व्हाइट आधी ब्लैक रहेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। ये बिल्कुल व्हाइट है और इसको गुलाबी बोलते हैं, जिसको कबरी बोलते हैं लोग। ठीक है जी ठीक है। कीमत? कीमत मनीष मोल करवाने को जो मर्जी करा 86,000 की पहुंच करवा दूंगा। 86 की। ठीक है। आगे वाली इस जोटी की बात, ये भैंस अभी आज सुबह ही आई है। ठीक है। 2 टाइम मिल्किंग करके दूंगा, तीसरा दिन है ब्याई को। दूसरे ब्यांत की कटिया सींग शिंगार खुला है थोड़ा सा, मुंह देखो जोटिया का बहुत ही सुंदर स्वभाव है, थन चड्डे की बहुत साफ है। जितनी केले अभी तो आई है। ठीक है। ताजा भी आई है, ताजा भी आई है, 2-3 दिन की भी आई है, तीसरा सॉरी चौथा दिन आज। और दूध कितना फिलहाल? दूध अभी मौके पे 12 किलो पानी जैसा दूले जाए आके कोई। ठीक है। 12 लीटर 12 लीटर पानी जैसा दूले, अभी खाली है ये मत सोचना। ठीक है ठीक है। हाँ ये आज सुबह ही आई है अपने फार्म पे।
हाइट काफी हाइट बड़ी। देख 5 फुट के करीब हाइट है। इंटर देख मनीष, और कीमत इसकी? कीमत 85 घर पहुंच, 85,000 की घर पहुंच, 85,000 की, 85,000 की घर पहुंच ईडर। शाम को कोई देखना चाहे ऑनलाइन तो वो भी देख सकता है वाकई में ईडर है या नहीं है। सही बात, कोई 1 रुपए का भी टाइम साबित कर दे, भैंस फ्री दे दूंगा। बिल्कुल टाइम नहीं लगाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर एक और मनीष जी, हाँ जी, कोई डेयरी विषयक का बंदा भैंस लेना चाहे, भैंस 87 की वीडियो लगाई थी, ठीक है, कल हमारे 3 दिन से बारिश बूंदाबांदी हो रही है, बच्चा मर गया इसका, ठीक है, अभी 10 लीटर 9 से 10 लीटर खीस है, ठीक है, अपने दे देंगे 5-7-10 हजार तोड़ के दे देंगे भैंस को, ठीक है ठीक है। अगर कोई भाई लेना चाहे, भैंस का पुट्ठा देख, ईडर देख, थन देख कितना प्यारा लगा हुआ, अगर कोई भी भाई लेना चाहे, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। ईडर की सफाई देख, पुट्ठा देख, दे दोगे 75 की? नहीं मनीष जी, मान तान कर लूंगा, 80 में से 2 छोड़ दूंगा, ठीक है ठीक है, 80 में से 2 छोड़ दूंगा, घर पहुंच दे दूंगा। और दूध यहाँ पे 2 टाइम अपने, चाहे कोई आके लेना चाहे, कोई ऑनलाइन देखना चाहे, कोई सुई मारने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चा वो देख, ये बना हुआ मूड़ा, ठीक है ठीक है, मूड़ा बना हुआ बिल्कुल हरा पड़ा अभी, ठीक है। इसकी वीडियो भी लगाई हुई है 87 की, कोई बंदा देखना चाहे तो, हाँ, 2 कम 80 की घर पहुंच दे दूंगा अगर कोई लेने वाला हो तो, ठीक है ठीक है। डेयरी विषयक की भैंस है, कल को से 6 महीने 7 महीने साल भर दूध के फिर भी इतने की बिक जाएगी। सही है, बिल्कुल बिक जाएगी, हाँ जी। बॉडी स्ट्रक्चर देखो भैंस का, चलो ठीक है, हमारी किस्मत में घाटा, हाँ लगाने का तो बच्चा भी खड़ा कर सकते हैं साथ में, सही है, पर ये काम नहीं करूंगा किसी को, ये धोखे वाला काम नहीं करूंगा। प्लस भैंस अगर 15 लीटर दूध दे तो सरदार कहना, कालू डंग भाई कहना, नहीं तो कहना वो धोखेबाज है। चलो बढ़िया, इतनी और गारंटी दूंगा। भैंस दिन भर, ये देखो अभी तो मेला भी नहीं चला, ये देख रहे हो, ठीक, अभी ताजा ब्याह की निशानी है, लोग अगर चाहे किसी को शक हो, ये देख लो, ये लगा हुआ शू में लगा हुआ अभी, ठीक है ठीक है ठीक है जी। अगर कोई भी भाई किसी का भी मन हो मेरे को बता दे, 2 टाइम 3 टाइम अपने मिल्किंग करवा देंगे। और प्लस कोई लोग कहते हैं मेरे को जोटिया चाहिए, जोटिया चाहिए, तो ये जोटिया लगी है, पर भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लोग कहते हैं अब क्षमता बताते हैं हम, हाँ सही बात, क्षमता बताते हैं ना कि खार की कटिया तैयार मिलेगी दूध, ठीक है ना, क्षमता है, हाँ खीस निकालेगी, अभी 10 किलो निकाल दे दोनों टाइम का, 8 निकाल दे 9 निकाल दे, अभी तो ठंड चलते ही मानो आप, बिल्कुल सही बात, ठीक है, बोलेंगे हाँ भैया आपने 14 लीटर वीडियो में डाला है, नहीं 14 लीटर की क्षमता होगी, बाकी अगर अच्छा डालोगे तो, अगर अच्छा नहीं डालोगे तो वो दूध नहीं देगी। सही बात है। एक रिक्वेस्ट हो रहा है भाई, जो भी भाई है सब्सक्राइबर करे चैनल को, प्लस पूरी वीडियो देख के फिर बात किया करें। सही बात है। मान लो अगर भैंस मैंने 55,000 की भैंस लगा दी, मैं तो एड में दूंगा ना 55 की शुरुआत, तो वो बोलेंगे 90 वाली का बोलेंगे भैया आपने तो 55 की वीडियो डाली हुई है। सही है सही है। अरे भाई मेरे, तू वीडियो देख के तो बात किया कर, हम डालते ऊपर शुरुआत की रेट, शुरुआत के रेट डालते हैं हम। सही है। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर कोई भाई आना चाहे उनका वेलकम है घर पे, प्लस 2 टन दूध लेके जाए, कोई टेंशन नहीं है, पर जो रेड भाव है ना, हाँ, वो गलत नहीं मांगते, लगभग लगभग हाँ, फिक्स होता है। प्लस दिल्ली वाला कोई भी भैंस लेना चाहे, बॉर्डर पे देंगे ना कि अंदर देंगे, ठीक है ठीक है। आज कल भैंस बेची थी जोटिया जो 92 की लगी थी, उन्होंने आज मेरे को इतना परेशान किया, मैं क्या बताऊं, ठीक है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, अगर कुछ हम भी आपके लिए मदद कर रहे हैं तो आप भी हमारी मदद करो, कुछ जरूरत आपको है कुछ हमें भी है। सही बात है। तो वो कुछ आगे तक का है, कुछ हम आएंगे, ठीक है। जब पेमेंट दे दी सब कुछ हो गया, फिर भी गाड़ी वाला 5 बजे का रुका होता है, वहां पे जाके पहुंचते हैं 10 बजे, वो गाड़ी वाला तो अपने को बुरा मनाता है ना। सही बात है। तो बाकी आओ, डंग डेयरी में आपका स्वागत है, कोई भी भाई का वहम हो भी डंग साहब दिखाते कुछ और है, कोई भी बंदा ऑनलाइन इंची टेप लगा के दे सकता है, प्लस दूध दे सकता है। चलो, टोकन मनी से होने के बाद, टोकन मनी होगी तो ही मिल्किंग होगी, नहीं तो नहीं होगी वरना। चलो बढ़िया बात है, ये हाँ, पहले ही बता दी। बहुत परेशान करते हैं, हमें मिल्किंग दिखाओ, हमें दूध दिखाओ, वीडियो कॉलिंग, भैया कॉल करो, वीडियो कॉलिंग की जरूरत नहीं है, जब वीडियो कॉलिंग की जरूरत है मैं खुद अपने आप 3 टाइम वीडियो कॉलिंग दिखाऊंगा आपको। सही बात है। हाँ ठीक है जी।
ठीक है, नमस्कार मनीष जी, नमस्कार। डंग डेयरी में आपका स्वागत है, सभी को सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, राम राम और नमस्ते, सत श्री अकाल देखने वालों को, सभी को धन्यवाद। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।